खबर गोड्डा और गोड्डा के आसपास से है। तेजस्विनी क्लब मकनी द्वारा ओजोन दिवस कार्यक्रम मनाया गया। खबर गोड्डा के मकनी गांव से है। आज दिनांक 16/9/2020 को तेजस्विनी क्लब मकनी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्थान आंगनवाड़ी केंद्र हरिजन टोला में ओजोन दिवस कार्यक्रम मनाया गया। ओजोन दिवस कार्यक्रम में यूथ फैसिलिटी संगम रानी द्वारा ओजोन दिवस वन ओजोन परत को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसके लिए हमें वायुमंडल प्रदूषित होने से बचाना पड़ेगा, इसके लिए पेड़ लगाना पड़ेगा और पेड़ लगाने से क्या लाभ होता है इसके बारे में बताया गया और सभी AGYW मिलकर के प्रत्यक्ष रूप से पेड़ लगाने का संकल्प लेकर सहजन का पेड़ लगाने की शुरुआत किया गया। सहजन का पेड़ पंचायत भवन मकनी एवं आंगनबाड़ी केंद्र हरिजन टोला के आसपास लगाया गया। सहजन का पेड़ इसलिए लगाया गया क्योंकि इस पेड़ से में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसके गुणों के बारे में भी बताया गया। इस कार्यक्रम का संचालन यूथ फैसिलिटी संगम रानी एवं सहयोगी ग्रुप में पीयर लीडर ममता कुमारी कर रही थी। गोड्डा की लाइफ लाइन NH-133 को बनाने को मिली हरी झंडी। हेमंत सरकार ने प्राकलन की मानक दर में संशोधन प्रस्ताव पारित कर बीते 9 माह से सड़क निर्माण व मरम्मत कार्य को लटकाए रखा, यहां तक कि केंद्र सरकार के आवंटन पर बनने वाली NH सड़क मरम्मत योजना भी खटाई में पड़ी रही। अब जब चारों ओर से सरकार की किरकिरी हुई तो पुरानी दर पर सड़क निर्माण व जीर्णोद्धार कार्यक्रम की वित्तीय सहमति देने पर सरकार ने हरी झंडी दे दी है। लिहाजा अब गोड्डा की लाइमलाइन कहीं जाने वाली NH-133 सड़क के जीर्णोद्धार के रास्ते खुल गए हैं। शीघ्र ही इस जर्जर सड़क पर मरम्मत कार्य शुरू हो सकता है। NH डिविजनल देवघर के कार्यपालक अभियंता ने इसका संकेत दिया है। बता दें कि शेड्यूल रेट की स्वीकृति नहीं मिलने से पथ निर्माण विभाग PWD और राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्रमंडल की ओर से सड़क मरम्मत को दूर किसी सड़क की DPR प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक नहीं बनाई जा रही है। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जर्जर सड़क ने कई जिंदगी को लील गई। इस तकनीकी बाधा को दूर कर अब केंद्र सरकार के अनुरोध पर राज्य प्रशासन ने NH मरम्मत कार्य को तकनीकी सहमति वित्तीय स्वीकृति देने पर सहमति हुई है। कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिए खड़ी रही भाजपा। झारखंड में COVID-19 के संक्रमण काल में भाजपा ने पूरी ऊर्जा और तालमेल से जरूरतमंदों के बीच काम किया है। अपने सामाजिक दायित्व के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवाद के सिपाही के रूप में लोगों की मदद की। इस पूरे अभियान को ई बुक में संग्रहित कर पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह जिला संयोजक नंदकिशोर ठाकुर, जिला मीडिया प्रभारी मुरारी चौबे, जिला महामंत्री अजय शाह, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के महामंत्री प्रबोध सोरेन, जयशंकर सिंह, राजेश भगत आदि ने संयुक्त रूप से मंगलवार को इसका लोकार्पण किया। जिला मुख्यालय गोड्डा में पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। प्रदेश एवं जिला नेतृत्व के निर्देश पर मंगलवार को भाजयुमो की ओर से जिला मुख्यालय में स्मारकों की सफाई के साथ सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। सेवा सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत अशोक स्तंभ परिसर की सफाई एवं पुराना खाद गोदाम के पास पौधारोपण कर किया गया। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमन झा एवं जिला संयोजक नितेश सिंह उर्फ बंडी की ओर से मंगलवार को संयुक्त रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के निमित्त बीते सोमवार को युवा मोर्चा की बैठक स्थानीय माई प्लेस में की गई थी। इसमें झारखंड प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने वर्चुअल संवाद के द्वारा मार्गदर्शन किया था। यह संवाद प्रत्येक मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को पहुंचाया गया था। महागामा विधायक दीपिका पांडे ने ली पीड़ित परिवार की सुध। पति के इलाज के लिए भटक रही महिला को दीपिका पांडे ने गंभीरता से लिया। 15 सितंबर को कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष नरेंद्र शेखर आजाद, राजेश कुमार लाला, रंजन कुमार सिंह को पीड़िता के घर भेजकर उनके परिजनों के इलाज कराने के लिए सारे कागजात लेने को निर्देश दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अध्यक्ष नरेंद्र शेखर आजाद ने बताया कि विधायक दीपिका सिंह पांडे द्वारा खबर छपने के बाद गोविंदपुर गाँव के संजय यादव, जो एक माह पूर्व ऑटो पलटने कारण दुर्घटना का शिकार हो गए थे, महागामा गोड्डा फिर भागलपुर रेफर होने के बाद चिकित्सकों द्वारा इलाज से कोई खास सुधार नहीं हो सका था। थक हार कर उनकी पत्नी गीता देवी द्वारा प्राइवेट नर्सिंग होम में कर्ज लेकर दिखाया
जहां चिकित्सकों द्वारा गले के हड्डी टूटने पर पीड़ित की छाती के नीचे शरीर का कई भाग सही ढंग से काम नहीं करने की जानकारी उनके पत्नी को दी। इलाज में मोटी रकम लगने की बात बताई गई, जहां इस प्रकार की बात सुनकर उनकी पत्नी अवाक हो गई। गर्भवती पत्नी सोनी संग आज हवाई जहाज से झारखंड रवाना होगा धनंजय मांझी। झारखंड के गोड्डा से ग्वालियर तक डीएलएड की परीक्षा के लिए स्कूटी से करीब 11,075 किलोमीटर का सफर तय करने वाली दंपति बुधवार को हवाई जहाज से वापस होंगे। ग्वालियर हवाई अड्डे से 6 माह की गर्भवती सोनी हेमराम व धनंजय कुमार सुबह 8:45 में विमान से हैदराबाद के लिए उड़ान भरेंगे। हैदराबाद से वे दूसरी फ्लाइट से रांची रवाना होंगे। रांची से गोड्डा तक कार के माध्यम से पहुंचने की व्यवस्था कर दी गई है। अनुमोदन नहीं होने से केंद्र संचालन में परेशानी। बुआरी जोर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जुलाई 2019 में 13 सेविका और 8 सहायिका का ग्राम सभा के द्वारा चयन कराकर पूरी पारदर्शिता के साथ तत्काल औपबंधिक चयन पत्र भी दे दिया गया था, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी जिला से अनुमोदन नहीं हो पाया है। एक वर्ष बीत जाने के बाद भी जिला से अनुमोदन नहीं होने पर ग्राम सभा में चयनित सेविका सहायिका ने चिंता जताते हुए कहा कि पता नहीं किस परिस्थिति में एक वर्ष बीत जाने के बाद भी जिला से अनुमोदन नहीं हो पाया है, जबकि जुलाई 2019 में ही लोंडिया में जो सेविका का ग्राम सभा द्वारा चयन हुआ था उस सेविका का जिला से अनुमोदन हो गया है, बाकी का अनुमोदन अब तक नहीं हो पाया है। गोड्डा के कुरमा में पोषण जागरूकता अभियान चलाया गया। ग्रामीण विकास ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र के तत्वाधान में गोड्डा प्रखंड के ग्राम कुरमा में राष्ट्रीय पोषण माह तहत पोषण जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। पोषण अभियान की थीम संतुलित भोजन स्वस्थ जीवन है। गृह वैज्ञानिक डॉक्टर प्रगतिका मिश्रा ने बताया, गर्भवती महिला और शिशु के आरंभिक वर्षों में बेहतर पोषण अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। बच्चे के मस्तिष्क और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है कि विटामिन, कैल्शियम, आयरन, वसा और कार्बोहाइड्रेट वाले पोषक तत्वों के साथ संतुलित आहार बच्चे और माँ को दिया जाए। बच्चों में कुपोषण की एक बड़ी चुनौती स्टंटिंग और वेस्टिंग रूप में सामने आई है। स्टंटिंग से तात्पर्य है कि उम्र के अनुसार बच्चे की लंबाई का विकास न होना और वेस्टिंग यानी बच्चे की लंबाई के अनुपात में कम वजन का होना। कुपोषण से बचाव के लिए खाद्य पदार्थों जैसे फल और सब्जियां, दूध, पनीर, दही, मक्खन, चावल, आलू, हरी पत्तेदार सब्जियां और स्टार्च के साथ प्रोटीन की भरपूर खाद्य पदार्थ मांस, मछली, अंडे, बीन्स, वसा, तेल आदि पर्याप्त मात्रा में दें। नामांकन शुल्क कम करने की मांग लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज में जड़ा ताला। खबर देवघर के मधुपुर से है। 11वीं में नामांकन के लिए अधिक शुल्क लेने के विरोध में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मधुपुर महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर दी। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं ने महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं का कहना है कि मधुपुर महाविद्यालय में चल रहे इंटरमीडिएट के नामांकन शुल्क कम करने का आश्वासन पूर्व महाविद्यालय प्रशासन की ओर से दिया गया था। भाजपा विधायक ने भाजपा सांसद को कहा, चिरकुट बाजी न करें, काम करें, जेएमएम ने किया कटाक्ष। देवघर के सारण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने अपनी पार्टी के दुमका से सांसद सुनील सोरेन पर तीखा हमला किया है और उन्हें काम करने की सलाह दी है। रणधीर सिंह ने कहा कि जब सांसद मेरे क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ के विधायक तक को फोन नहीं आता है और चुनाव के समय रोज संपर्क किया जाता है। उन्होंने कहा है कि वे माननीय मोदी जी के नाम पर सांसद चुने गए हैं। रणधीर सिंह जब बोल रहे थे तो उनके साथ जामताड़ा से कांग्रेस की विधायक इरफान अंसारी भी मौजूद थे। रणधीर सिंह ने कहा कि अगर भारत सरकार संपोषित योजना है तो पट पर में एक नंबर पर सांसद का नाम रहेगा और दो नंबर पर विधायक का नाम रहेगा, लेकिन राज्य संपोषित योजना है तो उसमें विधायक का नाम एक नंबर पर रहेगा और सांसद का नाम दो नंबर पर आएगा। उन्होंने कहा है कि लेकिन अगर कोई मंत्री है फिर उसका नाम ऊपर रहेगा क्योंकि प्रोटोकॉल में सांसद से पहले आता है। खबर मौसम विभाग से, 16 से 20 सितंबर तक बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से मंगलवार की शाम जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि जिले में आगामी 16 से 20 सितंबर तक अगले 5 दिनों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे तथा हल्के दर्जे की वर्षा की संभावना है।
दिन के तापमान में उतार चढ़ाव तथा हवा में नमी की अधिकता रहने की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। मौसम वैज्ञानिक रजनीश प्रसाद ने बताया कि विगत 20 दिनों में गोड्डा जिले में फसलों की स्थिति मध्यम दर्जे की रही तथा वर्षापात इंडेक्स अत्यंत शुष्क स्थिति में रही है। खबर है साहेबगंज से, पहाड़िया परिवार बिना राशन के एक भी ना छूटे। उपायुक्त चितरंजन कुमार की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में मंगलवार को आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। डीसी ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि इस माह के अंत तक सभी पदाधिकारी संबंधित प्रखंड जिला मुख्यालय में एक प्रमाण पत्र अर्पित करें, जो यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित प्रखंड में कोई भी पहाड़िया परिवार बिना राशन के नहीं छूटा है एवं उनके पास पर्याप्त राशन उपलब्ध है। बताया गया कि कोविड-19 के मद्देनजर कार्डधारियों को दिया जा रहा अतिरिक्त राशन अब नवंबर माह तक दिया जाएगा। उपायुक्त ने राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा खाद्यान्न आपूर्ति से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की एवं संबंधित योजनाओं की वर्तमान स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा की। डीसी ने निर्देश दिया कि सभी लाभुकों को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं डीलरों से राशन के बंटवारे एवं राशन उपलब्धता से संबंधित पूरी जानकारी लें एवं राशन से संबंधित मामले में डीलरों की गलती होने पर आवश्यक कार्रवाई करें। खबर है पाकुड़ से, प्रतिदिन 150 से 200 मजदूरों को रोजगार मुहैया कराएं। सदर प्रखंड सभागार में मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी सफिक आलम की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य विकास योजनाओं की पंचायतवार समीक्षा की गई। बीडीओ ने सभी पंचायत सचिवों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक दिन 150 से 200 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराएं। प्राथमिकता के आधार पर प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराएं। हर पंचायत में 25-25 योजना संचालित होनी चाहिए ताकि मजदूरों को काम मिल सके। विकास कार्य में तेजी लाने के लिए कहा गया। उन्होंने प्रत्येक पंचायत में 30-30 सॉकपिट योजना का चयन कर बनवाने का निर्देश दिया। बीडीओ ने 2 दिन के अंदर रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन को सुधार कर भुगतान करना सुनिश्चित करने को कहा। प्रवासी मजदूर को प्राथमिकता के आधार पर काम मुहैया कराने की बात कही है। खरीफ फसलों को रोग से बचाने का बताया तरीका। खबर बताया जा रहा है कि पाकुड़ से है। कृषि विभाग के आत्मा सभागार में मंगलवार को ITC मिशन द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुभारंभ आत्मा के उप परियोजना निदेशक अरविंद कुमार व कृषि निरीक्षक पंचानंद साहू के संयुक्त रूप से किया। प्रशिक्षण में विभिन्न प्रखंडों के किसान मित्रों एवं किसानों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण में खरीफ फसल धान एवं मक्का की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। धान फसल का कीट रोग का रोकथाम हेतु छिड़काव के बारे में बताया गया। पदाधिकारियों ने धान के फसल का झुलसा रोग, भूरी चीती रोग, स्मट रोग तथा कीट जैसे रस चूसने वाले कीट, पत्ते खाने वाले कीटों का छेदक कीट के रोकथाम के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।